अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रहा हूँ लाहौर से स्कर्दू। बायर सफ़र है, बड़ा ही ज़बरदस्त सफ़र है। किसी ज़माने में 28-30 घंटे का ये सफ़र किया हुआ है, लेकिन अब ये माशाल्लाह से 1 घंटा 10 मिनट में हो जाता है। और अभी सुबह के 6 बजे हैं, सुबह 6 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, 15-20 मिनट लेट है। और मैं दुआ कर रहा हूँ 10 मिनट और लेट हो जाए, क्योंकि ज़रा लाइट ज़रा आ जाएगी तो फिर जो है वो हमें व्यूज़ कैप्चर करने में आसानी रहेगी। तो अभी बोर्डिंग हो गई है और उसी लाइन में हम लगे हुए हैं। इस टूर में मेरा प्लान ये है कि हम स्कर्दू भी फिरेंगे और समुंदा भी फिरेंगे, लेकिन हम ऑटम में फिरेंगे। स्कर्दू वैसे मैंने पहले कवर किया हुआ है, लेकिन वो मैंने किया था जून में, लेकिन ऑटम में क्योंकि इसकी इंटायरली डिफरेंट फील होती है, तो मैं इसलिए समुंदा थोड़ा लेट जा रहा हूँ। और अभी इंशाल्लाह चल के देखते हैं, अच्छी सी फुटेज कैप्चर करते हैं। और मज़े की बात यह है कि स्कर्दू गिलगित रोड बन चुका है, लेकिन अभी हम जाएंगे लाहौर से। दुआ करेंगे बादल छादल पीछे हों और नागा पर्वत की जो है वो हम कैप्चरिंग अच्छी सी कर लें। और स्कर्दू एयरपोर्ट आपने पहले भी देखा था, लेकिन थोड़ा सा आपको फिर दिखा देंगे, तो मेरे साथ रहिए। आधा घंटा हम लोगों ने वेट किया है और 50-50 हो गया था प्लान कि पता नहीं फ़्लाइट जाती है कि नहीं, लेकिन एकदम से ऐलान हुआ कि जी जा रही है। फ़्लाइट 35 मिनट लेट है और मैं चाह भी यही रहा था, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और सूरज पूरी तरह से निकल आए ताकि वीडियो इजीली बन सके। आज अक्टूबर की 9 तारीख है, इसलिए सुबह 6:30 बजे भी पूरी तरह से दिन नहीं निकला। लोगों की सेटलमेंट में तकरीबन 25 मिनट लगे और अब 7 बज चुके हैं। जहाज़ ने आहिस्ता आहिस्ता टैक्सी करके मेन रनवे की तरफ जाना शुरू किया। मेन रनवे पर पहुंचकर पायलट ने अनाउंसमेंट की और क्रू को बताया कि वो अपनी जगह पर पहुंच जाएं, क्योंकि वो टेक ऑफ करने लगे हैं। माशाल्लाह सूरज निकलने का नज़ारा भी दिल फरेब है। जल्द ही ज़मीन नीचे से गायब हो गई और हम लोग बादलों में सफ़र करने लगे। जहाज़ बादलों के नहायत दिलकश पैचेज में से गुज़र रहा है। तकरीबन 20 मिनट बाद पायलट ने बताया कि हम लोग नारायण के ऊपर से गुजर रहे हैं और कुछ देर बाद आप नागा पर्वत को देख सकेंगे, क्योंकि मौसम भी क्लियर है। नागा पर्वत का ये पहाड़ दुनिया का 9वां ऊंचा तरीन पहाड़ है। इसको सर करना नहायत ही मुश्किल है, इसलिए इसको क्लियर माउंटेन भी कहा जाता है। इस पहाड़ को आई लेवल से देखना भी एक खूबसूरत तजर्बा है। इस पहाड़ का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है, साथ ही ब्रेकफास्ट सर्व किया गया जिसमें एक चीज़ सैंडविच और स्वीट पाई शामिल था, जबकि चाय या जूस की चॉइस आपकी अपनी होती है। नागा पर्वत के बाद बूंजी या जुगलोट के करीब से जहाज़ ने थोड़ा सा राइट टर्न लिया और साथ ही नीचे आने लगा। पहाड़ों का ऊपरी हिस्सा बर्फ़ से ढक चुका है, जबकि प्रॉपर बर्फबारी का सीज़न अभी शुरू होना है। जहाज़ मुसलसल नीचे आता जा रहा था और अब स्कर्दू के मज़ाफाती गांव भी नज़र आने लगे थे। लैंडिंग से पहले जहाज़ दरियाए सिंध से गुजरता है, क्योंकि स्कर्दू एयरपोर्ट इसके करीब ही वाक़या है। नो डाउट ये खूबसूरत तरीन हवाई सफ़र है, जिसमें आप दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों कराकरम और हिमालय से गुजरते हैं। इस्लामाबाद से हुकूमत एयर सफारी भी करवाती है, जिसमें इस एरिया को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से लैंड कर गए हैं। हमेशा की तरह पायलट ने कई दफ़ा अनाउंस किया, जहाज़ के रुकने और लाइट्स के स्विच ऑफ होने तक पैसेंजर हजरात अपनी सीटों पर ही बैठे रहे, जो कि एज ए नेशन हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम है। स्कर्दू एयरपोर्ट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और जैसे ही लोग जहाज से बाहर निकलते हैं तो वो कैमरा या मोबाइल से तस्वीरें लेने लगते हैं, और हाल ही में इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़ा सेफली लैंड कर गए हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और जब जहाज़ नीचे आया तो उसने काफ़ी टर्बुलेंस हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इजीली उतर गए हैं। अभी थोड़ी सी सर्दी है हो गई है और लोग यहाँ पे निकलते तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं इस एयरपोर्ट से। सराउंडिंग्स में आपको दिखाता हूँ, पहाड़ों का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर बर्फ़ पड़ चुकी है ऊपर वाले 20-30% एरिया में, और बाकी का नीचे वाला जो निज़ाम है वो अभी खाली है, ये आप देख सकते हैं। दो दिन से फ़्लाइट कैंसिल हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़्लाइट हो गई है, लेकिन हमारी आज पहली थी, हमें वेट नहीं करना पड़ा। और उम्मीद करते हैं कि वापसी पे भी जो है सिलसिला हमारा ऑन टाइम फ़्लाइट मिल जाए हमें, क्योंकि हम लोग रिज़र्व डे अपने जहन में नहीं बना के आए, प्लान करके नहीं आए। तो ये है जी गाड़ियाँ, शटल सर्विस है, ये आपको ले कर जाएगी एयरपोर्ट तक आपका जो टर्मिनल है। शटल के बाद हम लोग बेल्ट पर पहुंचे, अपना सामान पकड़कर स्कर्दू शहर की तरफ रवाना हो गए, जो यहां से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। और अगर आप हुंजा वैली का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो मुकम्मल तफसीलात के लिए यहाँ क्लिक करें, और अगर त्रै हुंजा पार करना चाहते हैं हुसैनी ब्रिज के थ्रू तो इस एडवेंचरस एक्सपीरियंस के लिए यहाँ क्लिक करें। ट्रिप ऑन ट्रिप मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।